आर्म्स की एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि हमारी जो ट्राइसेप्स मसल्स हैं वो खुल जाएं और हम कंफर्टली एक्सरसाइज कर सकें। तो सबसे पहले हमें अपने शोल्डर को अपने हैंड से टच करके और एल्बो को पहले 10 बार क्लॉकवाइज राउंड राउंड घुमाना है और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाना है। इस स्ट्रेचिंग में हमें अपने एक साइड के हैंड को दूसरी साइड ले जाते हुए दूसरे हैंड से पुश करना है। जितना हम ज़्यादा पुश कर सकें उतना, फिर इसी तरह से दूसरे हैंड को भी करना है। अब दोनों हैंड्स को ऊपर ले जाते हुए आपस में बांधना है। फिर पहले एक साइड हैंड्स को ले जाना है और स्ट्रेच करना है, फिर दूसरी साइड इसी तरह से स्ट्रेच करना है। अब हम मेन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रेडी टू फर्स्ट एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज नेम इज़ आर्म क्रॉस ओवर। इस एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथों को खोलना है और सामने की ओर लाते हुए आपस में क्रॉस करना है। हैंड्स को हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, एल्बोज को बेंड नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ सभी एक्सरसाइज हमें 30 सेकंड के लिए करनी है और 3 सेट में करनी है। रेस्ट टाइम। दिस एक्सरसाइज नेम इज़ आर्म अप एंड डाउन। इस एक्सरसाइज में हैंड्स को खोलना है, खोलते हुए ऊपर की साइड ले जाना है, आपस में दोनों हैंड्स को टच करना है और वापस नीचे लेके आना है। रेस्ट टाइम। रेडी टू थर्ड एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज नेम इज़ ट्राइसेप प्रेस। इस एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, दोनों हाथों को जोड़ना है और पीछे की साइड दोनों हाथों को ले जाना है। ये देखिए मैं साइड से भी दिखा रही हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पीछे की ओर प्रेस करना है। रेस्ट टाइम। रेडी टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज नेम इज पाम डाउन। इस एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है और सिर्फ एल्बोज से हमें अप एंड डाउन हैंड्स को करना है। दोनों पाम्स को हमें डाउन करते हुए अप एंड डाउन करना है। रेस्ट टाइम। रेडी टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज नेम इज सी रोटेशन। इस एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथों को फैलाना है, एल्बोज को बिल्कुल बेंड नहीं करना है और अपने दोनों हाथों से सी बनाना है। सी बनाते हुए पहले हैंड्स नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे।
रेस्ट टाइम। रेडी टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज नेम इज़ चेस्ट फ्लाई वेरिएशन। इस एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया है, हाथों को खोलना है और हाथों को आगे की ओर लाके आपस में टच करना है, पाम को टच करना है और पाम के साथ साथ हैंड्स को भी टच करना है। हैंड्स एकदम स्ट्रेट रहेंगे, बिल्कुल सामने की ओर। ये मैं साइड से भी आपको दिखा रही हूँ ताकि ठीक से समझ आए। रेस्ट टाइम। रेडी टू सेवेंथ एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज नेम इज बैकवर्ड पॉज। इसमें हमें दोनों हैंड्स को आगे की ओर डाउन में लेके आना है और आगे पीछे करना है, पीछे की साइड पुश करते हुए हमें ले जाना है। रेस्ट टाइम। रेडी टू लास्ट एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज नेम इज आर्म विंग। इस एक्सरसाइज में हमें अपने नीज को थोड़ा सा बेंड करना है और हैंड्स को नीचे की ओर स्ट्रेट। पहले हम हैंड्स को आगे लाएंगे, फिर पीछे की ओर पुश करेंगे, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है एग्जैक्टली उसी तरह से। इन सभी एक्सरसाइज के हमें दो सेट्स और करने हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमें स्ट्रेचिंग दोबारा करनी है। जो हमने स्टार्टिंग में की थी वही स्ट्रेचिंग हमें करनी है ताकि एक्सरसाइज के दौरान जो हमें खिंचाव हुआ है वो उसमें हमें आराम मिल सके। ये सभी एक्सरसाइज आप 10 डेज तक कीजिए, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा।